मेरे पास एक सवाल पहुंचा है कि हम शनि के दोष से पीड़ित हैं और शनि हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, तो शनि महाराज के प्रकोप से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये प्रश्न लगभग सभी के साथ है और रहता भी है, तो मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये जो स्थिति प्रकृति है ये सामान्य रूप से सभी के साथ रहती है, जीवन में एक बार तो इस संदर्भ में आते ही हैं कि उन्हें जो इस स्थिति से गुजरना पड़ता है। तो कि जब भी शनि महाराज, जैसे आपने पूछा ठीक करने का क्या उपाय है, तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि शनि महाराज न्याय के देवता हैं, ग्रहों में भी कार्य विभाजित हैं, तो शनि न्याय के देवता हैं, वे सदैव न्याय करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जब भी शनि दोष से पीड़ित हैं, जब भी शनि से पीड़ित हैं, अच्छा पीड़ा कब होगी शनि से, हमारे ऐसे कर्म जो पूर्व के कर्म हैं या जिन कर्मों के आधार पर या जिन कर्मों के वजह से हमें आज शनि की पीड़ा झेलनी पड़ रही है, कहीं ना कहीं हमने दोष किया होगा, माता पिता का विरोध किया होगा, गुरुजनों का अपमान किया होगा, इस वजह से शनि दोष लगता है। और जाने अनजाने में सबसे कहीं ना कहीं पाप होता है, तो ऐसी कंडीशन में इस बात पर ध्यान रखें कि आपको चाहिए कि आप श्री शनि की कुदृष्टि से बचने के लिए श्री हनुमान जी की शरण लीजिए, हनुमान जी की। विशेष तौर से शनिवार के दिन जब शनिवार होता है, क्योंकि यह हनुमान जी और शनि महाराज की दोनों युति है कि जो हनुमान जी को साधेगा, शनि महाराज ने स्पष्ट कहा है कि उस पर मेरा दोष नहीं लगेगा, मेरा भार नहीं लगेगा, नहीं 7.5 का प्रभाव नहीं होगा, कहने का तात्पर्य जो होगा मगर उसका प्रभाव नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें कि शनिवार के दिन हनुमान जी पर चोला अवश्य चढ़ाए। चोले में किन चीजों का उपयोग होगा, चोले में होगा सिंदूर, गुड़, भुना हुआ चना, और जो सिंदूर है उसके लिए तेल आप जो उपयोग करेंगे वो जो होगा वो होगा आपका चमेली का उपयोग करेंगे आप, और विशेष आपको चाहिए तो तिल के तेल का उपयोग कर सकते हैं, आप सरसों के तेल का उपयोग कर सकते हैं, और इसको करके आप ये पूरा लाभ ले सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको लगता है कि आप ये लाभ लेना चाहते हैं और आप स्वयं भगवान हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ा सकते या ऐसी स्थिति आपके साथ बनती है, तो आपको क्या करना है, आपको मंदिर में पुजारी जी से निवेदन करना है कि आप मेरे नाम का चोला शनिवार को चढ़ा दें। तो जब आपके नाम का चोला शनिवार को वो चढ़ाएंगे तो आपको उससे बहुत लाभ होगा, और ये मेरा खुद का व्यक्तिगत जांचा परखा कार्य है। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आप शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़वाने का नियम ले लीजिए। जो लोग भी शनि और समय उस समय ढैया 7.5 से पीड़ित हैं, शनिवार के दिन अगर आपका चोला हनुमान जी को चल रहा है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तो आप पर कभी भी शनि का कोई प्रभाव नहीं आएगा, आएगा भी तो हनुमान जी सब साध लेंगे, ये हनुमान जी का कार्य है। तो जो लोग भी शनि महाराज या शनि की दशा से पीड़ित हैं वे हनुमान जी की शरण ले लें और शनिवार के दिन हनुमान जी पर चोला अवश्य चढ़वाएं। अगर वे ऐसा करते हैं तो तय मान के चलिए आपको अपश्चात मतलब ऐसा आप सोच नहीं सकते ऐसा लाभ आपको होगा, आप आनंद से भर जाएंगे और आपकी समस्याओं का निराकरण होगा, और श्री हनुमान जी तो सब करने वाले हैं, तो आप इस पर जरूर कार्य करें और इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा, ध्यान रखिएगा।